सर, गुरु नानक जी सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। आपका हिंदू बोगस हिंदू बोगस बोगस। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत, डरो मत। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका, जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल MSP इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को, अच्छी बात बोलो, आप बैठे बैठे चिपकी, आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे, आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो, प्लीज, फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माने सर। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली भिजवाई थी, तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया, तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की, वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया, वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15% से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है, मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है।